दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाई मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। मोच ना घुटनों में हो ना रिश्तों में, स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। -40 डिग्री तापमान, एक बर्फीला पहाड़ी दर्रा, अंधेरी रात, खराब मौसम, तेज बर्फीली हवाएं और 9 अनुभवी हाइकर्स। ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि 9 समझदार और अनुभवी हाइकर्स नंगे पांव केवल अंडरवियर पहने अपने टेंट से भाग गए हों? ऐसा क्या हुआ होगा कि उतनी सर्द रात वो अपना टेंट छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ गए हों? उनके टेंट पर चाकू से चीरे जाने के निशान किसने बनाए? क्यों उनकी लाश टेंट से सैकड़ों गज दूर छितराई हुई पड़ी मिली? और उनमें से एक की आंखें क्यों गायब थी? क्यों एक टीम मेंबर की जीभ कटी थी? फूटी खोपड़ी, टूटी पसलियां, आखिर हुआ क्या था उनके साथ? ये क्या, क्यों, कैसे का सवाल पिछले 62 साल से एक रहस्य बना हुआ है। कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, दर्जनों एक्सपर्ट्स ने इसे सुलझाने की कोशिश की, सरकारों ने जांच टीमें बनाई, देश विदेश के संस्थान इस पहेली को बूझने में लगे रहे और कईयों ने तो इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। किसी ने कहा कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है, कोई बोला किसी विशालकाय जीव ने उन पर हमला किया था, किसी का अनुमान था कि सीक्रेट वेपन टेस्ट से निकले रेडिएशन के चलते वो पर्वतारोही मारे गए, किसी ने कहा ये कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन था। 100 मुंह 100 बातें, लेकिन बीते दिनों इस मामले में 62 बरस बाद एक नई थ्योरी सामने आई है, बताएंगे आपको। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये कहानी शुरू होती है 1959 में। रूस में यूरल फेडरल डिस्ट्रिक्ट नाम का एक प्रांत है, इसे अपना नाम मिला रूस की यूरल पर्वत श्रृंखला से। इसी प्रांत में था यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, अब यही संस्थान यूरल स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहलाता है। 1959 के साल इस संस्थान के रेडियो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक 23 साल का लड़का पढ़ता था जिसका नाम था इगोर डायटलोव। इगोर पहाड़ चढ़ने और हाइकिंग में दक्ष था। उसने अपने 9 साथियों को जुटाकर एक टीम बनाई, तय किया कि ये सब मिलकर एक हाइकिंग एक्सपीडिशन पर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? ओटोरटेन नाम के एक पहाड़ पर। रूट फाइनल हुआ। फिर 23 जनवरी 1959 को इगोर और उसके 9 साथी मिशन पर निकल गए। शुरुआती रास्ता ट्रेन और ट्रक से तय हुआ, फिर ये ग्रुप पहुंचा विझाई नाम के गांव में। ये उनके ट्रैकिंग रूट का आखिरी गांव था, इससे ऊपर पांव पांव चढ़ाई शुरू होनी थी। 27 जनवरी 1959 को तड़के सुबह 10 ट्रैकर उनकी ये टीम एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुई। अगले रोज टीम के एक साथी की तबीयत बिगड़ गई, वो वापस लौट गया। अब टीम में बचे 9 लोग, 7 लड़के 2 लड़कियां। तय हुआ कि ठीक 17 दिन बाद यानी 12 फरवरी को ये लोग ट्रैकिंग पूरी करके विझाई गांव लौट आएंगे। 17 दिन बीत गए, वो नहीं लौटे। जब 25वें दिन तक उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर वार्निंग बेल बजी। ट्रैकर्स के दोस्तों और परिवार वालों को चिंता हुई, उन्होंने सरकार से कहा रेस्क्यू टीम भिजवाओ। एक्सपीडिशन टीम के ज़्यादातर लोग यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे, इसलिए रेस्क्यू के लिए सबसे पहले इसी संस्थान ने अपनी टीम रवाना की। इसके बाद आर्मी ने अपने हेलीकॉप्टर मदद के लिए भेजे। 62 साल पहले आज ही का दिन था, यानी 26 फरवरी का दिन 1959 की तारीख, जब ये रेस्क्यू टीम पहुंची होलात सियाखल। ये यूरल पर्वत क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में स्थित एक पहाड़ है। स्थानीय भाषा में होलात सियाखल का मतलब होता है डेड माउंटेन, यानी मृत पहाड़। यहाँ एक पहाड़ी दर्रा है, इसी के ऊपर थोड़ी ढलान वाली जगह पर बर्फ से बाहर झांकता मिला एक टेंट। ये टेंट उन्हीं 9 ट्रैकर्स की टीम का था। टेंट मिल गया, लेकिन वो ट्रैकर यहाँ नहीं मिले। खाने पीने की उनकी समूची सप्लाई टेंट के भीतर रखी थी। उनकी डायरियाँ, तस्वीरें, वोदका से भरा एक फ्लास्क, मानचित्र, सब कुछ भीतर। और टेंट में ही एक किनारे पर प्लेट रखी थी जिसमें रूसी व्यंजन सालों पड़ा था। देखने से मालूम होता था मानो कोई जल्दी में प्लेट छोड़कर भागा हो।
ऐसा लग रहा था जैसे उस टेंट में बहुत आपाधापी मची हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि सारे पर्वतारोही बहुत जल्दबाजी में सामान छोड़कर भागे हों। भीतर सामान पसरा था और टेंट के किनारे पर चाकू से चीरा भी लगा था, जैसे किसी ने टेंट के भीतर बैठकर वो हिस्सा चाकू से काटा हो और बाहर निकल आया हो। टेंट के बाहरी हिस्से में बर्फ पर बने 9 जोड़ी पांव के निशान थे। ये निशान कुछ आगे जाकर खत्म हो गए थे। इन्हें देखने से लगता था मानो कुछ लोग केवल एक पैर का जूता पहनाए थे और कुछ नंगे पांव भागे थे। बर्फीले माउंटेन पास के ऊपर -40 डिग्री का तापमान होता है, उस पर अंधेरी रात और खराब मौसम। ऐसे में 9 अनुभवी हाइकर्स बिना जूते पहने टेंट से क्यों भागेंगे, ये जानते हुए भी कि इतनी ठंड में एक्सपोजर जानलेवा हो सकता है, हाइपोथर्मिया से जान जा सकती है। ऐसी क्या इमरजेंसी रही होगी कि ये सारे खतरे जानने के बावजूद ये ग्रुप इस तरह भागा, और जब भागा तो गया कहां? जहां ये टेंट मिला उससे कुछ आगे जाकर जंगल शुरू होता था। जंगल की सरहद के पास ही देवदार का पेड़ था। रेस्क्यू टीम को इस पेड़ के नीचे जली हुई कुछ लकड़ियां मिली। पेड़ के ऊपर की टहनियां भी टूटी थी, ऐसे जैसे किसी ने उस पर चढ़ने की कोशिश की हो। थोड़ा आगे बढ़े तो नजर आई 2 लाशें। दोनों में से किसी के पांव में जूता नहीं, शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल अंडरवियर। ये दोनों उसी ट्रैकिंग टीम का हिस्सा थे। फिर 3 और लाशें मिली। इनमें टीम के लीडर इगोर डायटलोव का शव भी था, यानी 5 लाशें मिल चुकी थी, लेकिन 4 का मिलना भी बाकी था। तो एक तरफ बाकी 4 की तलाश चल रही थी, दूसरी तरफ जो 5 शव मिल गए थे उनकी मेडिकल जांच चल रही थी। इस जांच में पता चला कि ये 5ों हाइपोथर्मिया से मरे हैं। इन 5ों में से एक के सर पर गहरी चोट भी थी, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं थी कि जान चली जाए। इस मेडिकल जांच के आधार पर लोगों को लगा कि शायद बाकी के 4 भी ठंड में एक्सपोजर के चलते मर गए हों। करीब 2 महीने की तलाश के बाद एक सकरी खाई की सतह पर बाकी 4 टीम मेंबर्स की भी लाशें मिल गईं। लेकिन इनके मिलने के साथ ही केस और रच गया, और इसकी वजह थी उन बाकी 4 लाशों की हालत। एक की दोनों आंखें गायब, जीभ कटी हुई, होंठ का हिस्सा गायब, बाकी 3 भी बुरी तरह जख्मी, उनकी पसलियां टूटी और खोपड़ी में फ्रैक्चर। मेडिकल जांच से पता चला कि इन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी। इतने फोर्स का धक्का आया था इन पर जैसे तेज रफ्तार कार के किसी चीज से टकरा जाने पर आता है। इसके अलावा कुछ और भी अजीब चीजें थी। मसलन टीम की एक लड़की के पांव में दूसरे टीम मेंबर की जैकेट बंधी थी, एक का ट्राउजर जला था, एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे, कुछ के शरीर पर नोचे हुए चिथड़े लिपटे थे। इसके अलावा एक की लाश पर रेडिएशन के भी अंश पाए गए थे। पहाड़ चढ़ने के दौरान कई बार हादसे होते हैं, अनुभवी से अनुभवी पर्वतारोही मारे जाते हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब मौतें समझ से बाहर थी। टीम मेंबर्स की डायरियां 1 फरवरी 1959 की शाम तक का ब्यौरा बताती थी, लेकिन उस रात को क्या हुआ किसी में दर्ज नहीं था। तो फिर सवाल वही कि भागे तो भागे क्यों, इस अवस्था में क्यों भागे, और उनके शरीर के साथ ये क्या हुआ, ये किस चीज़ का फोर्स था जिसके चलते इतनी चोटें लगी। बहुत कुछ जो प्रकट लॉजिक से परे लग रहा था। इगार और उनकी ट्रैकिंग टीम के साथ जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम समझ से परे था, और इसी के चलते घटना एक सेंसेशन बन गई। लोगों ने नाम दिया डायटलोव पास इंसिडेंट। ये नाम एक्सपीडिशन टीम के मुखिया इगोर डायटलोव के नाम पर प्रचलित हो गया। फिर एक आशंका उभरी कि कहीं उस टीम को स्थानीय मानसी कबीले ने तो नहीं मारा, ये चरवाहों का कबीला था, ऊंचे पहाड़ पर रहता था। आशंका थी कि कहीं उन्होंने बाहरियों को देखकर हमला ना कर दिया हो, लेकिन यह आशंका खारिज हो गई, इसलिए कि एक्सपीडिशन टीम के किसी भी साथी के साथ संघर्ष के सबूत नहीं मिले थे, उन्हें किसी इंसान ने नहीं मारा था, ये पक्की बात थी। फिर सोवियत ने कुछ समय तक इस केस की जाँच की और उन्होंने केस की फाइलों को क्लासिफाइड कर दिया, यानी गोपनीय कर दिया। और जब गोपनीय कर दिया तो केस ने और तूल पकड़ा। लोगों ने कहा कि अगर कोई रहस्य ना होता तो ये गोपनीयता क्यों बरती जाती। फिर कयास लगते रहे कि क्या ये लोग गुलाग यानी सोवियत के कुख्यात यातना शिविरों से भागे कैदी थे, क्या एक्सपीडिशन टीम ने UFO देखा था, क्या इसी वजह से वो इतनी हड़बड़ी में टेंट छोड़कर भागे थे, या सच में ऊपर पहाड़ों पर बर्फ का विशालकाय जीव येती रहता है जिसने टीम पर हमला कर दिया था, या कहीं सोवियत कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा था, या कहीं पहाड़ से अचानक कोई अनजान और खतरनाक ऊष्मा तो नहीं निकली, या ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण हो रहा हो और ये टीम उसकी चपेट में आ गई हो। KGB, सीक्रेट मिसाइल टेस्ट, कान फाड़ देने वाले इंफ्रासाउंड, अंतहीन एंगल निकलने लगे इस केस में।
जब 90 के दशक में सोवियत का विघटन हुआ और सोवियत दौर के कई रहस्य बाहर आने लगे तो इस केस ने भी नए सिरे से सर उठाया। रूस के बाहर भी बात फैल गई। इस केस ने एक मीनिया का रूप ले लिया। इसे टर्म मिला डायटलोव मीनिया। लोग ऑब्सेस्ड हो गए इससे क्योंकि ये केस इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में गिना जाने लगा था। दशकों के गैसवर्क और अफवाहों के बाद आया फरवरी 2019 का बरस और समय। इस बरस रूसी सरकार ने केस वापस खोलने का ऐलान किया और इस जांच का नतीजा आया जुलाई 2020 में। इसके मुताबिक उस हादसे की वजह थी एवलांच। क्या होता है एवलांच? पहाड़ में जहां स्लोप वाला इलाका होता है वहां बर्फ जमा होती रहती है। इस बर्फ को सहारा देता है स्नोपैक। ये यूं समझिए कि बर्फ की धीमे धीमे जब कई तह बन जाती हैं, स्तर बन जाते हैं, उनके जमा होने से बनती है। ये स्नोपैक अपने ऊपर जमा हो रही बर्फ को सहारा देता है और उसे नीचे गिरने से रोकता है। लेकिन जब बर्फ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब कई बार स्नोपैक कमजोर होने लगता है, फिर उसका एक हिस्सा टूट जाता है और ऊपर जमा बर्फ रफ्तार के साथ नीचे रिलीज हो जाती है। यही प्रक्रिया एवलांच कहलाती है। एवलांच में अचानक बहुत सारी बर्फ तेज रफ्तार से नीचे ढुलकती है। बड़े एवलांच अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी का मलबा भी लाते हैं। रूस ने अपनी जांच में कह दिया एवलांच के चलते हुआ, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए संतोषजनक तर्क नहीं दिए गए। इसकी वजह से कई सवाल अनसुलझे भी रहे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि जिस जगह डायटलोव की टीम ने कैंप लगाया वहां स्लोप बहुत लो था। इस स्लोप का एंगल 30 डिग्री से कम था। एवलांच 30 डिग्री से कम एंगल वाले स्लोप पर नहीं आता। अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात बने और एवलांच आए भी तो छोटा होगा, फोर्स ज़्यादा नहीं होगा, वैसी चोट नहीं आएगी जैसी उस टीम को आई। इसके अलावा उस इलाके में हमेशा तेज़ हवा चलती है। हवा हल्की बर्फ को उड़ा ले जाती है, उसे इतना जमा ही नहीं होने देती कि एवलांच आए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि रेस्क्यू टीम को एवलांच का कोई सबूत नहीं मिला था। और ऐसे ही सवालों के साथ लोगों ने रूसी जांच की इस थ्योरी को खारिज कर दिया। फिर आता है जनवरी 2021। इस महीने की 28 तारीख को प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में एक लेख छपता है। इसे लिखा था दो लोगों ने, योहान गोमे और अलेक्जेंडर पुजरिन। अब ये दोनों बंधुवर कौन थे? योहान स्विट्जरलैंड स्थित स्नो एंड एवलांच स्टिमुलेशन लेबोरेटरी के प्रमुख हैं और अलेक्जेंडर स्विट्जरलैंड में ही जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इन दोनों ने भी डायटलोव मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की और उनकी जांच में भी जवाब मिला एवलांच। लेकिन ये नतीजा रूसी जांच की तरह सवालों को अनसुलझा नहीं छोड़ता। इन दोनों एक्सपर्ट्स ने वैज्ञानिक मॉडल का इस्तेमाल किया। तत्कालीन मौसम से जुड़े डेटा के सहारे डायटलोव हादसे वाली रात को रिक्रिएट किया। फिर इन्होंने एवलांच जैसी कंडीशन पैदा करके उसका नतीजा देखा। इस रिजल्ट के आधार पर बताया गया कि डायटलोव की टीम के साथ हुआ क्या था। इनके मुताबिक घटनाक्रम ऐसे हुआ, 1 फरवरी 1959 की शाम एक्सपीडिशन टीम डेड माउंटेन के ऊपर पहुंची। वहां पहाड़ के पूर्वी हिस्से पर एक ढलान के पास 0.1079 के ऊपर उन्होंने अपना टेंट लगाया। ये उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन वो बर्फीले मौसम में रूट से थोड़ा भटक गए थे। मजबूरी में उन्होंने यहाँ डेरा जमाया। रात का वक्त था, सब टेंट के भीतर सोए थे। तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक एवलांच बहुत तेज फोर्स के साथ उनके टेंट की तरफ बढ़ा। जिस जगह ये टेंट था उस लोकेशन में इस तरह का एवलांच आना बहुत दुर्लभ घटना है, लेकिन दुर्योग से उसी रात वहाँ ये दुर्लभ हादसा हो गया। लेकिन ये एवलांच उनकी मौत का कारण नहीं, मौत का जरिया था। उनके टेंट के किनारे बर्फ जमा हो गई। जो टेंट की उस साइड में सोए थे वो तेज फोर्स के चलते जख्मी हो गए। बाकी के टीम मेंबर्स में से किसी ने टेंट में चाकू से चीरा लगाया, उस रास्ते सबको बाहर निकाला। बहुत पैनिक का माहौल। टीम को लगा छोटे एवलांच के बाद एक बड़ा एवलांच आ सकता है, इसलिए वो जिस हाल में थे उसी हाल में बाहर निकले। जूते तक पहनने का टाइम नहीं मिला उन्हें। वो टेंट से दूर भागे। उन्होंने सोचा होगा कुछ देर बाद लौट आएंगे, लेकिन रात अंधेरी, मौसम खराब और बर्फीला तूफान, यानी विजिबिलिटी बहुत कम, इसलिए टीम के लोग रास्ता भटक गए। -40 टेम्परेचर में इस तरह सर्वाइव करना मुश्किल था, इसलिए एक एक करके वो मरते गए। जो पहले मरा उसके कपड़े बाकियों ने उतारे ताकि जिंदा लोगों को ज़्यादा गर्मी मिल सके, और गर्मी के लिए ही उन्होंने किसी तरह देवदार के पेड़ के पास आग जलाई होगी। रेस्क्यू टीम को इस देवदार की ऊपरी टहनियाँ टूटी मिली थी। शायद डायटलोव टीम का कोई जिंदा मेंबर बहुत डेस्परेशन में इस पेड़ पर चढ़ा हो, इस उम्मीद में कि शायद ऊंचाई से टेंट दिख जाए। लेकिन टेंट नहीं मिला, ठंड मिल गई अपनी क्रूरता के साथ और वो मर गए। ये थ्योरी कहती है कि अगर टीम टेंट में ही रहती, बाहर ना निकलती, तो शायद जिंदा बच जाती।
युहान और अलेक्जेंडर की ये थ्योरी वैज्ञानिक प्रयोग पर आधारित है, लेकिन ये भी सारे सवालों के जवाब नहीं देती। मसलन, एक लाश पर रेडिएशन का अंश क्यों मिला? बस धुंधला सा अनुमान है कि शायद इतनी ऊंचाई पर सूरज की तेज रोशनी से रेडिएशन का अंश आया हो। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं और इन्हीं के चलते तमाम वैज्ञानिकताओं के बावजूद ये थ्योरी भी केवल अनुमान है, इसलिए कई एक्सपर्ट इससे संतुष्ट भी नहीं है। युहान और अलेक्जेंडर भी केस सॉल्व करने का दावा नहीं कर रहे। उनका कहना है कि संभावित अनुमानों में ये वाला अनुमान ज्यादा सटीक, ज्यादा मुमकिन है। हालांकि ये दोनों रिसर्चर एक बात पक्के ढंग से कह रहे हैं कि उस रात चाहे जो हुआ हो, इतना पक्का है कि उन 9 लोगों ने एक दूसरे की परवाह की, घायल दोस्तों को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ा, वो साथ मिलकर एक आपदा से लड़े। इस कहानी में बस यही एक सुकून की बात है कि उस रात उस पहाड़ पर मौत के सामने भी उन 9 लोगों ने भरपूर दोस्ती निभाई। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी नाइजीरिया से है। यहां 26 फरवरी की सुबह हमलावरों ने एक गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया, फिर उन्होंने बच्चियों को जबरन अपने साथ लाई गाड़ियों में बिठाया और फरार हो गए। हमले के वक्त स्कूल में 421 बच्चियां मौजूद थीं, इनमें से 55 ही मिल पाई हैं। आशंका है कि 300 से ज़्यादा बच्चियां हमलावरों के कब्जे में हैं। पिछले हफ्ते भी ऐसी एक घटना में 42 लोग किडनैप कर लिए गए थे, जिसमें 27 बच्चे शामिल थे। अभी तक उन्हें नहीं छुड़ाया जा सका। दिसंबर 2020 में भी इसी तरह 300 बच्चों को किडनैप किया गया था। जब सरकार ने फिरौती दी तब रिहा हो पाए। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। यहां पिछली रात अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। निशाने पर थे ईरान समर्थित 2 मिलिशिया संगठनों के ठिकाने। ये बाइडेन प्रशासन द्वारा किया गया पहला सैन्य हमला है। पेंटागन के मुताबिक इस हमले का निर्देश खुद बाइडेन ने दिया था। अमरीकी अधिकारियों ने ठीक ठीक संख्या तो नहीं बताई, बस इतना कहा कि एयर स्ट्राइक में कुछ मिलिटेंट्स मारे गए। ये हमला ईरान को वार्निंग देने के लिए किया गया। उसके द्वारा समर्थित कुछ शिया गुटों ने पिछले हफ्ते इराक स्थित अमरीकी ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया था। तीसरी सुर्खी नेदरलैंड से है। यहां संसद ने चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें कहा गया कि चीन उइगर मुसलमानों के साथ जो कर रहा है वो नरसंहार है। ये पहली बार है जब किसी यूरोपियन देश ने उइगर मुद्दे पर ऐसा कदम उठाया है। जाहिर है चीन ने इस पर कड़ा एतराज किया, कहा कि नेदरलैंड ने उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करके बड़ी गलती की। चीन के मुताबिक नरसंहार के आरोप बेबुनियाद हैं, उसे कलंकित करने के लिए झूठ गढ़ा गया है। हम जानते हैं कि इसी हफ्ते कनाडा ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि वीकेंड के पार फिर मुलाकात होगी हमारी। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।